अगले संबोधन के लिए अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्री बादल जी को। जोरदार तालियों के साथ हम अभिवादन करें माननीय मंत्री महोदय का। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी, आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता साहब, आदरणीय श्री जगन्नाथ बाबू, मंचासीन हमारे राज्य के मुख्य सचिव श्री अरुण सिंह साहब, मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का साहब, मंचासीन कार्मिक सचिव वंदना दादेल जी, मंचासीन इस राज्य के डीजीपी साहब श्री नीरज सिन्हा जी, यहाँ पर मौजूद माननीय मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे साहब, साथ ही कृषि पशुपालन विभाग के सचिव अबूबकर सिद्दीक साहब, स्कूली साक्षरता विभाग के सचिव श्री राजेश शर्मा साहब, श्रम विभाग के सचिव श्री प्रवीण टोपो साहब, उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारीगण, इस आयोजन को सफल बनाने में कार्मिक विभाग के सभी कर्मी और आज के महत्वपूर्ण अंग आप सभी 252 हमारे भविष्य के कर्ता धर्ता और नवनियुक्त पदाधिकारीगण, मौजूद इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के बंधु बांधव, मैं बस आपको इतना कहना चाहूंगा कि जो जिम्मेदारी वर्तमान सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी ने आपको दी है पूरी ईमानदारी से, सच्ची निष्ठा से और आपसी समन्वय से उसका निर्वहन करना आपके लिए चुनौती होगा और आप खुशकिस्मत हैं कि वर्तमान सरकार ने आपको प्लेटफॉर्म दिया। कितने युवा पहले के सालों में इस प्लेटफॉर्म को पाने से महरूम रह गए, उनके एज एक्सपायर हो गए, लेकिन जब से यह सरकार आई है जो इनका हमेशा सोच रहा है कि हम आपको अवसर प्रदान करेंगे, आने वाले प्रतिभागियों के लिए भी आज का दिन बहुत मोटिवेशनल दिन रहेगा कि हमारे लिए प्लेटफॉर्म बन रहा है। और जैसे अभी अरुण कुमार साहब ने आपको कहा कि आने वाले दिनों में रेगुलर परीक्षाएं होंगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष जोर है सभी विभागों पर, हमने भी पिछले दिनों अपने विभाग से 32 वर्षों के बाद 129 असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के पदाधिकारियों का नियुक्ति प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर लोगों को दिया था। तब से लेकर अब तक जो दौर चला है ये चलता रहेगा। मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जनता का सम्मान, जनप्रतिनिधियों का सम्मान और अपने अधिकारी होने का सम्मान, इस पे कभी समझौता नहीं करना है। हम लोग सब आपके साथ हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले दिन में जितनी आपको हम लोगों का संरक्षण चाहिए वो प्राप्त होगा। आपसे बहुत उम्मीदें हैं इस राज्य के नव निर्माण में, इस राज्य के आगुआ दिशुम आगुआ राज के सपने को साकार करने में। जोहार, प्रणाम, आदाब। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय।